तो ये रहा जो हमारा छेता भी है, इसको अब हम लोग राम डाल रहे हैं साड़ी। तो अभी धूप तो है पर हवा नहीं चल रही थी, इस वजह से काइट उड़ नहीं रही थी। तो अभी थोड़ी सी हवा चली है बड़ी देर के बाद। टाइम मुझे एक मिनट बताता हूँ आपको, टाइम हो गया है, टाइम 12 बज गए हैं, हवा ही नहीं चल रही है, काइट कैसे उड़ाएं। तो अभी उड़ रही है काइट, तो अब उड़ाते हैं काइट। जान दो, हाँ ऊपर ही जा रही है। बनाओ बनाओ आराम से उड़ाओ ना, इधर से इधर बिल्ली है। हाँ जी हाँ जी, उड़ाओ ना उड़ाओ ना आप। अभी काइट आपको अभी दिख नहीं रही होगी, काफी हाइट में, हमें नहीं दिख रही तो आपको कैसे दिख रही होगी। तो फाइनली अभी राखी डलवाने के लिए बंतलाब जा रहा हूँ, तो उसके बाद अभी वापस आएंगे, फिर काइट उड़ाते हैं, अभी जाना पड़ेगा। और ये रहे काइट उड़ाने वाले एक्सपर्ट है हमारे साथ, हाय कर दो। चलो चलो काइट्स वो पहुंच गई बड़ी वाली ऊपर। ओहो बहुत गर्मी है भाई आज, चलो भाई अब गर्मी बहुत हो गई। उधर चल पीछे दूर चल रही, पैर करना फंसी इधर। तो ये रहा जो हमारा छेता भी है, इसको अब हम लोग सलाम डाल रहे हैं साड़ी देशी भाषा से, जिसे इस्लामा आखते ना, इसे इस्लामा पाइए, इसी उड़ाना है। देखते हैं कोशिश करते हैं। और इसका एक भाई है लिपू महाराजा, उसको भी उड़ाना है, अगर वो उड़ जाए तो बहुत अच्छा। और देखिए सलामा डालने कितना बड़ा काम है इसको। तो अभी आपको सलामा डालने के बाद इसको उड़ाने का देखते हैं, उड़ेगा नहीं हवा में, अभी उड़ा के बताते हैं। और ये बड़ा वाला घोड़ा कोशिश तो है कि चढ़ जाए, लिपू हो जा रहा है, ये लिपुडॉन, ये यही नाच है घर के या बरांडे के आगे नहीं जा रहा हमारे, उम्मीद है पूरी हमें चढ़ेगा चढ़ेगा, ये भरोसा रखो। खा लेने ना सुटिया, ऊपर रखी सी थोड़ा थोड़ा। हाँ उम्मीद में दुनिया कायम है, हमारा भी गुड्डा चढ़ेगा। दो घंटे आगे लगाने के बाद, हल्का करने के बाद फिर से कोशिश, अब लग रहा है अटैम्प्ट हमारा पास हो चुका है इस बार। तो आगे से वो पता नहीं क्या क्या उतार रहा है अपना। उड़ गया हमारा गुड्डा, अब नहीं आएगा वापस ये। और अब बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखिए मायूस चेहरे, काइट उड़ा रहे थे बड़ी बड़ी, अभी नीचे उतार दी वापस, बहुत बुरा बहुत बुरा। चलो बड़ी गर्मी थी, थोड़ी सी ठंड पड़ जाए फिर वापस हो जाए वो भी चलेगा हमको। काले बादल, दो तीन काइट अभी भी उड़ रही हैं, बारिश में भी उड़ा रहे हैं। बारिश 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 बारिश, तो अब तो बारिश स्टार्ट हो गई है, अब ये मोमी काइट अब यही उड़ानी पड़ेगी, बारिश हो गई है, अब ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो फिर ये भी नहीं उड़ा पाऊँगा। तो वैसे सबकी उतर गई नीचे, अब अकेले ही हैं हम, बहुत बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। टाइम मुझे लग रहा है 4 बज गए हैं, थोड़ा सा टाइम बचा था, अभी तो सारों ने ऊपर आना था तो बारिश हो गई। चलो कोई बात नहीं, तब भी हम उड़ाएंगे, अभी देखते जाओ, अभी इसको उड़ाते हैं हम। ये देखो तलाम डल गए, तलाम, और हमारे कैमरा वाले भाई अगर आपको पास से दिखाएंगे तो हम बिल्कुल ऐसे करके तलामा डालते हैं। ये देखो सबसे आसान तरीका है नापने का, ये यहाँ से ऐसे नापा, ये बल्कि दूसरी डोर यहाँ से नापी, तो बीच में यहाँ पे नहीं समझ आए फिर से बता देता हूँ एक बार। पहले डोर सीधी की, एक बार फर्स्ट गए जहाँ पे गंड मारी है, दूसरी बार यहाँ गए नाप के, जो हो गया दोनों साइड से बराबर, तो यहाँ पे ऊपर नॉट बांध दी, तो अब हम सीधे इसको उड़ाएंगे। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए हम लोग टेप लगा लेते हैं, क्योंकि हवा में ना फटे तो ज़्यादा बुरा लगता है। ओ ये हमारी साइड उड़ गई।
और ये हमारी काई टूट रही है, ओ फंस गई, हो गई। कहते हैं गुड्डी बुत हो गई है मेरी, गुड्डी देखो बुत हो गई है पूरी। टैना स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क सिटी से बाहर निकल के तो भाई मजा आ रहा हवा में। अब तो सारे लोग छत से भागे हुए हैं, आपको दिख रहा हो जैसे बहुत तेज बारिश की आवाज भी आ रही है, पर हमने अभी भी अपनी काइट उड़ा के रखी हुई है। ओहो बहुत गर्मी थी, ठंडी हो गई, उड़ रही है मेरी काइट अभी भी, देख रहे हो? एक और उड़ रही है। तो ये देखिए किस तरह से निराश लोग इतनी काइट लेने के बाद, ये देखिए हमारे एक और बड़े भैया, देखो कैसे बारिश में, बारिश भी कोई आस्था नहीं हो रही है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप देख लो, हाँ काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है, पर हमारी काइट संदिर रह गई। अभी हम सोच रहे थे कि हवा तेज़ चल रही है तो बड़ी वाली काइट उड़ा लेते हैं, शुक्र है नहीं उड़ाई, नहीं तो हवा में ही रह जाती, वो फट जाती हवा में ही। अभी मैं दूसरी प्लास्टिक वाली उड़ा रहा था, इसको मम्मी गुड्डी बोलते हैं, वो उड़ाई, वो बेचारी बारिश ना सह पाए, फट गई। देखिए मायूस चेहरे के साथ बारिश को कोसते हुए कि रुक जाए, पर ये देखिए कैसे टहल रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, प्रभु के आगे हम क्या ही कर सकते हैं, कर क्या लेंगे हम। अगर ये हो सकता था कि लोगों ने भी वो वाली दूसरी प्लास्टिक वाली काइट लाई होती और थोड़ी, तो हम बेचे पा पाते, अब तो कोई को है ही नहीं है, साढ़े को असें चढ़ाई पर क्या करते, चढ़ाई भी कर ले साड़ी, वो भी फटी है तेज ही, मैं सोचा जाना पौना पड़ती छत पर। चलो अब हम वंस मोर फिर से ट्राई करते हैं, जाते हैं छत पे, क्या करें, रक्षाबंधन है आज, घर से भी बार बार क्या आया, नामे डालना तो आती ही होंगे आपको, बचपन में आपको मजाक वाली बात सुनाता हूँ, बचपन में मैं जैसे अभी इस तरह तलामा डालता ना, बचपन में इस तरफ डालता था, यहाँ से उड़ जाती है, ऐसी बात नहीं कोई बोले की उड़े नहीं ना, उड़ती है बहुत मुश्किल से उड़ती है, मैंने उड़ाई हुई है, एक बार डबल वाली उड़ाई है, दो गुड़ी इकट्ठी मार दी, डबल चार चार डोर, और डबल नहीं गुड्डी डबल नहीं विक्रम जी ने चढ़ाई चढ़ी, मतलब साढ़े को गुड्डी मरी हुई थी, नीचे से क्या होता भारी हो जाती। चलो अब लगे हाथ, अब हम क्या कर सकते हैं, बारिश तो हो रही है, गुड्डी को तलामा भी डाल दिया, आपको पता लग गया होगा तलामा, ये देखो ऐसे करके नापते हैं, ये भी मैंने बाई से सीखा, मैं पहले ऐसे ही बांधता था, ये नहीं बाई से सीखा या पता नहीं कहीं से सीखा ऐसे करके। तो चलो अब लगे हाथ, बारिश भी है, चाय भी चलो नहीं है हमारे पास अभी, तो थोड़ी सी अपनी पुरानी बातें सुनाते हैं आपको, काइट के ज़माने में क्या क्या करते थे। तो मैं जब ज़्यादा नहीं तो फिफ्थ सिक्स या सेवन्थ में होऊंगा, तो मैं तालाब तलों से काइट उड़ाता था, तो हम क्या करते थे, रात को हमने जितनी भी काइट्स लाई होंगी हम सबको तलाम डाल देते थे, इसको बोलते हैं तलामा, हम सबको डाल के रख देते थे एक दिन पहले, फिर सुबह हमारा होता था कि सबसे पहले हमारी काइट उड़नी चाहिए, तो पहले हम 2 बजे जाके चेक करेंगे कि कोई उड़ा रहा नहीं उड़ा रहा, फिर हम 3 बजे जाएंगे, फिर जैसे ही मतलब लगेगा कि थोड़ी सी रोशनी हुई है कि दिखने लग गया हुआ है, फिर हम अपनी काई उड़ा के रख लेते थे, और वो कट भी जाते थे क्योंकि जब तक कोई उड़ाएगा नहीं, छोटे छोटे थे तो कटवा लेते थे जल्दी, पता भी लगता था, ये तो हो गई हमारी बात। आप क्या करते थे भाई? कई बार तो रात को चढ़ा देते थे अंधेरे में, बुरी अंधेरे में पीछे डालने में बुरी, हम चढ़ा देते हैं आस पास वाले भाई थे वो भी चढ़ा देते थे अंधेरे में पीछे डाले, दिख नहीं रही क्या हो रहा है, कुछ समझ कुछ नहीं आता ऐसे, मैंने एक बार ट्राई किया, हम जैसे कि भाई बता रहा था कि हम रात को भी काइट उड़ाते थे, मैंने एक बार क्या किया, वो जो साइकिल की लाइट नहीं लगती थी छोटा वाला बल्ब, देखा होगा वो वाला बल्ब होता, वो मैंने छोटे वाले सर के साथ बांध के उड़ा दिया, तो थोड़ी देर तक तो दिख रहा था, जब थोड़ा दूर गया ना तब तो पूरा दिख रहा था कि यहाँ पे है काइट हमारी, थोड़ी सी लाइट दिख रही थी, उसको मैंने ज़्यादा दूर कर दिया, तो यहाँ पे तो जैसे भाई सुना रहा भाई, वो यहाँ पे क्या होता था काइट वाला, रात में जो उड़ाते थे रात को 2-3 बंदे इकट्ठे उड़ाते थे, मतलब अलग अलग छत से उड़ाते थे, एक दूसरे बोलते थे यहाँ पे अमेरिका आईडी, यहाँ पे अमेरिका काट के निकाल, काट के निकाल,
ऐसे पगे करते रहते हैं, लेकिन बाइक वाली गाइड उड़ाते थे, दिख जाती। हाँ वाइट की गाइड, वाइट की मैं कपला करता था लोगों के साथ, मैं काली वाली उड़ाता था, फिर मैं कहीं से भी यहाँ से भी खींच मारता था यहाँ से भी, क्योंकि कट भी गई थी तो अभी किसी को नहीं पता लगना, क्योंकि अंधेरा मैं बोलूंगा हाँ उठ रही है उठ रही है, किसी को नहीं पता लगता था, सिर्फ थोड़ी सी दूर हो गई तो फिर तो बिल्कुल नहीं दिखती। अब तो नींद आ जाती, पहले तो नींद नहीं आती थी भाई, क्या बता रहा है छत को ऐसे देख देख के तारे, नींद नहीं आती भरावा अगले दिन भी पूरा। एक बार मैं आपको सबसे मौजू वाली कहानी सुनाता हूँ, एक बार मैंने क्या किया, मैंने ना अंडरशर्ट डाली थी तो सुबह सुबह मैं चढ़ गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं उड़ाता रहा गाइड, क्योंकि मैं एक बार अगर चढ़ जाता था मैं नीचे नहीं आता था वापस, जो मर्जी हो जाए चाहे मुझे वॉशरूम जाना हो मैं तब भी नहीं आऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैं चढ़ा रहा छत पे, तो पूरे दिन गुड्डी चढ़ा ली, पता नहीं लगा उस टाइम चढ़ा जो उस टाइम चढ़ा ली, पूरे दिन नीचे भी नहीं गया, शाम को उतरा नीचे, जब अंडरशर्ट खोली पूरा वाइट और सारा का सारा ब्लैक हो गया। वो निशान जाने के लिए कम से कम भी 6-8 महीने लगे हुए हैं वो निशान जाने में, खाली जो अंडरशर्ट के निशान पड़ते इतने जबरदस्त निशान थे वो। और जो सही गाइड में बोलूँ, सही गाइड जितने मर्जी बड़े गुड्डे उड़ाए हो आपने, जब आप पतंग उड़ा लो ना एक बार सही तरीके से, पतंग का मजा आता है, पतंग भरावा इतनी सी भी हो पर वो जब उड़ती है ना लगती इतनी भारी है ना, समझ नहीं आता ये गुड्डा है या गुड्डी है, बहुत भारी हो जाती पतंग, बड़ा हैवी हो जाता है, बहुत जबरदस्त उड़ती है। सीधी रखने के लिए तो लोग पत्थर मान लेते हैं, पर बिना पत्थर के ज्यादा मजा आता है जब ये ऐसे ऐसे चलती है। वो अगर डील पकड़े ना, मैंने एक बार अपनी पूरी चरखड़ी, जिस टाइम चरखड़ी चलती थी, मैंने अपनी पूरी चरखड़ी एक बार ऐसे छोड़ी हुई है, वो पूरी चरखड़ी मतलब तेजी से ले रही थी, पेचा पता नहीं कहाँ डाला था, जा रही है जा रही है जा रही है, और पूरी चरखड़ी खत्म हो गई, दूसरी चरखड़ी बांधी पतंग से, सिर्फ पतंग ऐसा करती है टैलेंटेड, बाकी नहीं। और जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें भी नहीं जैसे पता था, हम लोग भी इसको गट्टू को सिर्फ चाइनीज डोर बोलते थे, पर जो कोई ब्रांड कौन कौन से ब्रांड है, मोनोफिलियम मोनोकाइट से, हाँ गोल्ड, ये शायद इंडिया में बनते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी उन्होंने बताया था कि ये जो है ये हमारे इंडिया में बनते हैं, हम भी इसको चाइनीज समझ के हम लोग भी चाहते हैं कि, वैसे अगर हम सच्ची में बोले हम लोग भी चाहते हैं कि ये खत्म हो, क्योंकि डोर का मजा जो है ना, क्योंकि उसमें इसका क्या चक्कर है, इसमें जिसका मन करता है काट के चले जाता गुड्डी मारी, कभी इधर से खिंच मारता बच्चा, कभी इधर से मारता तब भी कट जाती है मार, उसमें तो पूरे से ही चाहिए, उसमें पूरे से तरीके से काटनी पड़ती है। गट्टू का ये एक और चीज है कि जिसको जिसको नहीं बनाने आती वो भी इधर उधर करके काट देता, पर अगर डोर है, अगर आपने मारी गलत खिंच, आपने ऐसे ऐसे मारी वो भी आपकी कटेगी, सीधी नहीं गई नीचे से तब भी आपकी ही कटेगी, मैक्सिमम चांस आपकी कटेगी कटेगी। गट्टू की ये खासियत है, पर मैंने एक दिल्ली की वीडियो देखी है, दिल्ली वाले पता नहीं उनके पास एक डोर है ब्रावा, उसने चक कराई, उसमें वो चरकड़ी थी खुद बनाते हैं, प्यारे लाल नाम प्यारे लाल ऐसे कुछ नाम था उनका, उसने चरकड़ी टेस्ट कराई, उसने चरकड़ी ऐसे ऐसे करके काटी, जैसे होता है ना जब काटो किसी चीज को, उसने मतलब रस्सी को वो प्लास्टिक वाली रस्सी उसको 8-12-16 बार ऐसे किया, डबल किया 16 बार डबल थी वो, उसके बाद उसने खाली ऐसे करके काट दी, उसके बाद कर निशान चला, कटने के बाद निशान आता ना वाइट कलर का जहाँ से भी टूटती है दावत है, उसमें निशान ही नहीं आया, जबरदस्त तो रखड़ी बनाते हैं यार हमारे यहाँ पे वो वाला हिसाब है नहीं। और उसने पता कि एक वीडियो है उसमें उस बंदे ने चरखड़ी के ऊपर उसको पैर रखवाया, चरखड़ी टूट गई तो वेस्ट हो जाती है, पैर रखाया पर वो चरखड़ी नहीं टूटी, जबरदस्त चरखड़ी बनाई थी बंदे ने। चलो ये बारिश हो गई तो इसके साथ हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी पुरानी, बस अब चाय का प्याला कोई नीचे से आके पूछ लेगी पियोगे तो हम पी लेंगे चाय का प्याला। हमारे सारे लोग छत पे चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, अब आपको दिखाने से दूर बड़ा हाल सारा है, पर सारी जगह बंदे उठ उठ के चेक कर रहे हैं कि बारिश बंद हो रही है हो रही है हो रही है, पर नहीं हो रही है, पर नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, क्या करें कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, चलो प्रभु की जो मर्जी हम क्या कर सकते हैं, पर हमने काइट बहुत सारी लाई हुई है उड़ाने के लिए, तो हम पूरी तरह वो हैं कि मत पूछिए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, राके बनवाने घर गया था थोड़ा सा लेट हो गया था, और जो बड़ी वाली काइट है उसके लिए तो जो संघर्ष करके लानी पड़ती है, और जो लोग तंग करते हैं, हमारे भाई लोग भी आ रहे हैं, कुछ हमारे भाई लोग भी आ रहे हैं अभी, बहुत सारा संघर्ष बहुत सारा, तो चलो आपको काफी दास्तानें हमने सुना दी अपनी, आपको आपके साथ फिर आपको मिलते हैं इसके बाद।
और आखिरकार शैतानी दिमाग में शैतानी आइडिया आ ही चुके हैं, कुछ नहीं है करने को, तो अब हम लोग अब हम लोग बम्बों को आग लगा रहे हैं। ये देखिए उड़ा रहे थे, अब वो फूंक रहे हैं, अब फूंक उड़ा रहे थे, अब फूंक रहे हैं, अब हम फूंक रहे हैं, देखो वाह वाह वाह। ऐसे तो पक्का चला। अपनी मम्मी गुड़ी खत्म होने के बाद देखिए कैसे कैसे लगे हैं लोगों की गुड़ी को देखने। मजा आ रहा है? कितना दे दे उसको भी चढ़ाने दे, चढ़ा ले ना, चढ़ा ले, और नहीं गिरेगी तू पकड़ ले, नहीं गिरेगी पकड़ ले। ये रहा मौसम और काइट्स ही काइट्स। अब शाम के वक्त भाई वो दूसरे छत से काइट उड़ा रहे हैं, ये फिर से बड़ा वाला गुड्डा उड़ाएंगे, ये यहाँ से उड़ा रहे हैं, हम लोग इस छत पे हैं, हम तीन लोग अब यहाँ से उड़ा रहे हैं, तो काइट्स तो बहुत दिख रही हैं छोटी छोटी। So, mami,